का सबसे ज्यादा गर्म शहर का खिताब लिए दमोह आज सुर्खियों में चल रहा है। यहाँ का तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो चुका है। वहीं लगातार बढ़ रहे दमोह में पानी की किल्लत जो एक नासूर बन के रह गई, अगर नगर पालिका चाहती तो समय रहते इसका निराकरण कर सकती थी। दमोह में गर्मी से तापमान बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर दमोह के हर इलाके में पानी की काफी किल्लत है, लेकिन नगरपालिका तथा प्रशासन की अनदेखी के कारण आज दमोह के किल्लाई नाका स्थित बाढ़ वासियों का गुस्सा फूट गया और हाईवे पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गया। आज सुबह से ही किल्लाई नाका स्थित बाढ़ वासियों के द्वारा दमोह सागर हाईवे तथा दमोह हृदयपुर रोड पर महिलाओं ने खाली बर्तन रखकर उग्र प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। वहीं मामले की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा बाढ़ वासियों को मनाने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन बाढ़ वासियों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उग्र होते देर नहीं लगी। वहीं कलेक्टर ने दमोह SDM रविंद्र चौकसी को मौके पर भेजकर और मामले को रफा दफा करने की हिदायत दी, जिसके बाद दमोह SDM रविंद्र चौकसी ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ वासियों को समझाते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर ही यहां पानी की समस्या को हम खत्म कर देंगे, भले ही हमें टैंकरों के माध्यम से आपके बाढ़ में पानी की व्यवस्था करनी पड़े। जिसके बाद बाढ़ वासियों ने हाईवे तथा रोड जाम खोला। पाइपलाइन बिक गई है, पुरानी पाइपलाइन बंद हो गई, नई बिक गई, इतना पानी नहीं आ रहा, इसको लेके लोगों में नाराजगी है। लोगों को समझाई दी गई है, नगरपालिका के अधिकारियों को बुला के समझाया गया है और ये प्रयास है कि मंगलवार के दिन तक इसका पानी पहुँच जाए, ये प्रयास करेंगे नगरपालिका के कर्मचारी। नहीं आएगा तो फिर हम लोग आएंगे मंगलवार को और जाके देखेंगे क्या समस्या है। लाइन की समस्या, लाइन तो डली है, अब पानी नहीं आ रहा, किस कारण नहीं आ रहा वो देखेंगे। आपको बता दें कि पानी की किल्लत सिर्फ दमोह शहर में ही नहीं है बल्कि आसपास के गांव में भी बहुत ज्यादा है। दमोह जिले के लगभग प्रत्येक गांव हरदुआ मानगढ़ रसोटा हरदुआ पांजी तथा जिले का लगभग 70% क्षेत्र पर पानी की किल्लत के कारण परेशान है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन हाथों पर हाथ रखे मूक दर्शक बने तमाशा देख रही है। कई जिलों के ग्रामों की स्थिति तो ऐसी बनी हुई है, वहां से पानी की कमी के कारण लोग मजबूर होकर अपने घर द्वार छोड़कर गांव से पलायन तक कर रहे हैं। दमोह से राजन तिवारी की रिपोर्ट।